गाइस, दिस इज शारु सुपरसेन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है संडे और संडे के दिन कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज हम संडे स्पेशल मैक्रोनी बनाएं। और मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है। मैं जब शूट पे भी जाती थी ना, तो मैं मैक्रोनी बना के लेके जाती थी और शूट पे बड़े मजे से खाती थी। एंड आई एम श्योर सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको मैक्रोनी बहुत पसंद होता है। और मैं जैसे बनाने वाली हूँ बहुत ही चटपटे स्टाइल से, तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, गाजर, बीन्स, हरी मिर्च, लहसुन, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर एंड मैक्रोनी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने लगभग 1 लीटर पानी जो है वो गैस पे चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, और उसमें 1 चम्मच हमने ऑलिव ऑयल डाला है। और उसके बाद अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। जब तक हम पानी बॉईल हो रहा है तब तक के लिए हम अपना पिंक सॉस तैयार कर लेते हैं, मेरे स्टाइल से जैसे मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए हम चिली सॉस ले रहे हैं थोड़ा सा। मैं बहुत ही अच्छा चिली सॉस भी बनाती हूँ, तो उसका रेसिपी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं बना बनाया चिली सॉस ले रही हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, टमेटो सॉस एंड फ्रेश क्रीम। अब ये हमारा पिंक सॉस रेडी हो रहा है। बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनी डाल रहे हैं। हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है। जब तक कि वो बॉईल होता है हमारा सॉस रेडी हो चुका है, सारे मसाले तैयार हैं। जैसे ही मैक्रोनी रेडी होगा हम उसे छान कर पानी बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बनाएंगे हमारी स्पेशल मैक्रोनी। राजीव भी बोलकर गए हैं कि मैं आऊँगा, तब तक रेडी करके रखना, आते ही मैं खाऊंगा, बिकॉज मुझे अभी से भूख लग रही है। सो आज जो मैंने पिंक सॉस बनाया है वो मैंने रेडीमेड चीज़ों से बनाया है, लेकिन मैं पर्सनली भी मैं जो चिली सॉस है ना वो खुद अपने घर पे बनाती हूँ। और जो मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो थाईलैंड स्टाइल का है, थाई स्टाइल का है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चिली सॉस बनाना ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरी जो रेसिपी है चिली सॉस की वो क्या है। मैक्रोनी बॉईल हो चुका है, हमने वो साइड में रख दिया है। अब मैं पैन के अंदर थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। ये तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, और प्याज, मैं सब डाल के अच्छे से पका लेंगे। मैं गाजर भी डाल देंगे। गाजर पहले डाला क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये हमने गाजर डाल दिया। बीन्स नौ, पकने लग गई हैं, तो अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, इसलिए मैंने थोड़ा लेट डाला है टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा।
हुआ है तो मैंने इसमें नमक डाला है ताकि थोड़ा जल्दी पक जाए। अभी तक हमने इसमें नमक डाला भी नहीं था तो बहुत थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैक्रोनी को बॉईल करते हुए थोड़ा नमक उसमें भी डाला था और मैंने जो चिली सॉस यूज़ किया है उसके अंदर भी नमक थोड़ा बहुत है। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो सॉस हमने बनाया था वो सॉस डाल देंगे। अब लास्ट में ये हमारा सब कुछ अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें लास्ट में ग्रेट करा हुआ चीज़ डालेंगे। इसको कर देंगे मिक्स। Today, if you really like the video, really like the recipe, please share it with your friends and family and do subscribe to my channel.